हेलो फ्रेंड्स, ओम लैब्स की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सोनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे सोनोमीटर की वर्किंग को समझने के लिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सोनोमीटर का यूज़ क्या होता है। सोनोमीटर का यूज़ ये होता है कि हम लोग एक फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर देते हैं, एक कांस्टेंट, एक हम साउंड फ्रीक्वेंसी देते हैं और उससे क्या होता है, वाइब्रेशंस का ट्रांसफर होता है जिससे कि हमारी स्ट्रिंग में रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जो टेंशन है एंड जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच के रिलेशन को हम लोग इससे समझ सकते हैं। सो आज के इस एक्सपेरिमेंट में हमारी जो टेंशन है जो हम है वो वेरिएबल रखेंगे। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने टेंशन को कांस्टेंट रखा था, बट हियर हम लोग टेंशन को वेरिएबल रखेंगे एंड हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, राइट। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली प्रिस्क्राइब इन द सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एज एक्सपेरिमेंट नंबर 9, राइट। तो हम यही वाला एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं टेंशन एंड लेंथ का जो है यहाँ पर रिलेशन गिवन है, सो टी बाय एल स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट। तो जो भी हम निकालेंगे हमारा टी बाय एल स्क्वायर का वैल्यू फॉर 3 to 4 रीडिंग्स, वो हमारा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले एज आई वॉज डिस्कसिंग हमें सोनोमीटर चाहिए एंड सोनोमीटर के अलावा हमें ये वेट्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ऑन वन साइड हमारे पास पुली है एंड यहाँ से हम लोग वेट्स को यूँ अटैच कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हम लोग वेट्स को क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे। वेट्स को वेरिएबल रखने से स्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा और या फिर टेंशन आएगी, राइट। अब इसके अलावा हमें ये हैमर है एंड दीज आर दी ट्यूनिंग फोर्क्स। तो आपके ओम नैब्स के द्वारा ये ट्यूनिंग फोर्क्स का पूरा सेट प्रोवाइड किया जाता है एंड ऑल्सो यू आर गिवन विद अ मैनुअल। सो द मैनुअल इज एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल जहाँ से आप प्रोसीजर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट मैं 341 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क यूज करूंगा एंड आफ्टर दैट मैं जैसा कि मैंने बताया आई विल बी पुटिंग द टेंशन एज वेरिएबल, राइट। तो वॉट आई विल डू इज आई विल चेंज द वेट्स अकॉर्डिंगली, राइट। यहाँ पर आई विल रिपीट इट फॉर योर बेनिफिट, ये हमारा राइडर होता है, ये हमारा राइडर होता है एंड जैसे ही हमारी स्ट्रिंग में रेजोनेंस आती है राइडर विल फॉल डाउन एंड ये हमारे वेजेस होते हैं, राइट। दीज आर दी वेजेस। सो हमें दो वेज में लेंथ लेनी होती है, फर्स्ट है इंक्रीजिंग एंड सेकेंड है डिक्रीजिंग। नाउ आई शो यू द मैनर वी टेक इन इंक्रीजिंग लेंथ। तो जैसा कि मैंने कोई भी फ्रीक्वेंसी लिया, यहाँ पर 341 लिया, सो जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसे, सो आई हैव टू एक्चुअली इंक्रीज द लेंथ, दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग। And decreasing में what I do, I'll keep the wedges on a far distance and after that I'll start giving the frequency. जब मैं frequency दूंगा और मेरे को rider की movement को देखना है, so I'll keep decreasing the frequency, not the frequency, actually the length. तो जो मैं decreasing length लूंगा और जो increasing length लूंगा उसका mean जो है that will be my length. And इस experiment में अभी time constraints के लिए we'll only take the increasing length, but ideally in this experiment we take increasing and decreasing and after that we take the mean. आप यहाँ पर observation table में भी इस चीज़ को अच्छे से observe कर सकते हैं। After that we take the L square and L square के बाद जो हमारा tension upon L square का ratio है वो क्या आना चाहिए, constant आना चाहिए। तो चलिए guys अब हम experiment को start करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया मैं क्या लेने वाला हूँ, increasing length. So I will put the wedges इन अबाउट अ नियर, थोड़ी सी छोटी लेंथ पे मैं वेजेस को रख दूंगा यहाँ पर एंड आई विल, जैसा कि मैंने बताया 341 फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ट्यूनिंग फोक है एंड आई स्टार्ट स्ट्राइकिंग इट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एज वी हैव ऑब्टेन्ड द लेंथ जिस पे हमारा जो राइडर है वो स्ट्राइक, जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करी तो वो गिर गया है। अब हमें यहाँ पर लेंथ को रिकॉर्ड करना है और हमें अपनी लेंथ को नोट डाउन कर लेना है इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। अब लेंथ रिकॉर्ड करने का भी देयर इज अ स्पेसिफिक वे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे मेक मिस्टेक, दे आइदर रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक द लेंथ फ्रॉम वेयर द ब्लेड इज लाइन। तो ब्लेड जहां पर है हम उसकी सीध में लेकर अपनी लेंथ को रिकॉर्ड करेंगे। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं, सो इट विल बी इन एन अराउंड 45, सो 45.7 के अराउंड जो है हमारी लेंथ जो है वो हो रही है। एंड यहां पर भी अगर मैं बात करूं, सो हियर द लेंथ विल बी इन एन अराउंड 59.7, या सो 59.7 यहां पर हमारी लेंथ होगी। सो 40
5.7 माइनस 59.7 जब आप करेंगे सो इट विल बी अराउंड 14 सेंटीमीटर्स. तो हमारी 14 सेंटीमीटर्स की लेंथ आ गई जहां पर हमारा राइडर जो है एक पर्टिकुलर रेजोनेंस प्रोड्यूस हुई स्ट्रिंग में और हमारा राइडर जो है वो नीचे गिर गया. नाउ व्हाट आई विल डू इज, जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग टेंशन को कॉन्स्टेंट नहीं रख रहे हैं, वी विल बी इंक्रीजिंग द टेंशन. सो मैं 500 ग्राम्स का जो वेट है आई विल इंक्रीज इट हियर एंड दिस इज द वे यू हैव टू पुट द वेट. सो दिस इज द वे यू हैव टू पुट द वेट. एंड जैसा कि मैंने बताया था हम लोग क्या ले रहे हैं, इंक्रीजिंग ले रहे हैं. सो आई विल अगेन पुट द वेजेस हियर. सो नो चेंज. तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक की तो इस पर्टिकुलर लेंथ पर मेरा जो राइडर है वो नीचे गिर चुका है. तो अब जो हमारे पास लेंथ ऑब्टेन हुई है दैट इज इन एन अराउंड 45.2 यहाँ पर. एंड यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ ऑब्टेन हुई है दैट इज अराउंड 60.8. या सो 60.8 एंड 45.2. राइट. सो हमारे पास जो इसका डिफरेंस आ जाएगा दैट वुड बी अराउंड 15.6. राइट. सो 15.6 का हमारा डिफरेंस आ गया एंड हमारी जो लेंथ है 15.6 आ गई एंड विल पुट इट इन द ऑब्जर्वेशन टेबल. अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट विल डू इज विल अगेन इंक्रीज द टेंशन. सो मैं 500 ग्राम से इंक्रीज कर रहा हूँ टेंशन को और. राइट. सो यहाँ पर अब टेंशन इंक्रीज हो गई है एंड जैसा कि मैंने बताया था हमें क्या लेनी है, इंक्रीजिंग रीडिंग. सो आई पुट द वेजेस बैक एंड आई पुट द राइडर बैक एज वेल. राइट. तो यहाँ पर हमारा ये राइडर और वेजेस रेडी हैं एंड अगेन विल स्टार्ट दी स्ट्राइकिंग. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी थर्ड ऑब्जर्वेशन भी ऑब्टेन कर चुके हैं और हमारी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन की लेंथ है अब उसे हम नोट डाउन कर लेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में एंड हमारा राइडर जो है वो इफेक्टिवली रेजोनेंस की वजह से नीचे गिर गया था. तो आइए अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में देखते हैं कि हमें क्या क्या लेंथ ऑब्टेन हुई और हमें क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑब्टेन होती है या नहीं होती है. तो आइए फ्रेंड्स अब हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस को देख लेते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया था हमें यहाँ पर एक मैनुअल भी प्रोवाइडेड है, सोनोमीटर का मैनुअल, और हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पर देख रहे हैं. सो जैसा कि मैंने बताया था हम लोग टेंशन को क्या कर रहे हैं, वेरिएबल रख रहे हैं. और मैंने बताया था कि हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों लेंथ को लेते हैं बट फॉर द टाइम कंस्ट्रेंट्स मैंने इंक्रीजिंग लेंथ ही लिया है, इंक्रीजिंग लेंथ लिया और इंक्रीजिंग लेंथ को डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है. राइट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एल स्क्वायर. तो मैंने एल स्क्वायर से फॉर एग्जाम्पल 14 है तो 14 का स्क्वायर इज 196. तो यहाँ पे एल स्क्वायर की वैल्यूज तीनों रीडिंग्स की ले ली हैं एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि हमने लेंथ को सेंटीमीटर्स में लिया है सो टेंशन हैज़ टू बी इन डाइम्स. तो मैंने यहाँ पर तो टेंशन जो है वो नॉर्मल लिखे इसको डाइम्स में कन्वर्ट कर लिया है. सो फॉर फर्स्ट वन जिसका हमने जब वेट लिया 2000 सो द टेंशन वुड कम एज 194 into 10 to the power 4 डाइम्स जब हम इसे 980 से मल्टीप्लाई करेंगे.
जब हम 2500 जब मैंने 500 ग्राम्स इंक्रीज किया सो 2500 into 980 वुड बी 245 into 10 to the power 4 dynes एंड सिमिलरली फॉर 3000 इट विल बी 294 into 10 to the power 4 dynes. अब जैसा कि मैंने बताया हमें टी बाय एल स्क्वायर की वैल्यू हर रीडिंग के लिए लेनी है. सो हमारे यहाँ पर टी बाय एल स्क्वायर की वैल्यू जो फर्स्ट रीडिंग की आई दैट इज 10,000. जो हमारी सेकेंड रीडिंग की आई दैट वॉज 10,040 विच इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10,000. एंड जो थर्ड रीडिंग आई वो आई 9823 विच इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 10,000. अब 9800 या 9900 इतना आपका वेरिएशन आ सकता है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एरर एज वेल. सो बट आप एक नजरिए से देखिए कि हमारी जो टी बाई एल स्क्वायर की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जो है वो कॉन्स्टेंट ही आ रही है. एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट वेयर इन वी हैव केप्ट द टेंशन कॉन्स्टेंट नॉट द टेंशन कॉन्स्टेंट बट द टेंशन वेरिएबल. जैसे कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में टेंशन को कॉन्स्टेंट रखा था, यहाँ पर हमने वेरिएबल रखा एंड उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रखा. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी थी 341. सो 341 फ्रीक्वेंसी पर मैंने इन टेंशन पर टी बाई एल स्क्वायर की वैल्यू निकाली विच केम आउट टू बी कॉन्स्टेंट. सो ये था हमारा सोनोमीटर का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेरिमेंट. और इस सोनोमीटर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.